जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आशीष आई टी आई यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में जानेंगे यूपी आई टी आई का जो है कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है कि कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर यूपी आई टी आई का थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो उन सभी बच्चों से कहना है कि वीडियो को जो है कि पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप भी जानना चाह रहे हैं कि UPI TI का जो है कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा और कितना नंबर वालों का जो है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो है कि नाम आया है, तो वीडियो को जो है कि पूरा कंप्लीट देखिएगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, ताकि जब थर्ड मेरिट लिस्ट आए तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, देखिए, जो बच्चे अभी तक जो है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं चेक किए हैं तो जाके जो है कि नाम चेक कर लें। और 22 अक्टूबर में अगर आपका नाम आ गया है तो 22 अक्टूबर में जो है कि आखिरी डेट है एडमिशन कराने का। उससे पहले जो है कि आप एडमिशन करा लीजिए, नहीं तो उसके बाद जो है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और देखिए, कहीं कहीं जो है कि बहुत ज़्यादा मेरिट गया है और कहीं कहीं जो है कि बहुत कम मेरिट गया है। देखिए, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका 85% है, 80 से पार है, जो उनका भी जो है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ जो है कि 75%, जिनका 75% है, उनका भी जो है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक है, तो आप जो है कि निराश मत होइए, आप जो है कि तीसरे मेरिट लिस्ट का जो है कि इंतज़ार करिए, आपका जो है कि एडमिशन हो जाएगा। आप जो है कि मायूस मत होइए, तीसरे मेरिट लिस्ट में जो है कि जरूर हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद जो है कि चौथे राउंड में जो है कि आपका स्पोर्ट काउंसलिंग कॉलेज के माध्यम से जो है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको जो है कि निराश थोड़ा सा भी नहीं होना है, आपका जो है कि इतना अच्छा अच्छा नंबर है, बताइए 85% है, उनको भी जो है कि कॉलेज नहीं मिला है, तो वो तो अगर निराश ना हो, थर्ड मेरिट लिस्ट में उनका नाम तो आना ही आना है। ठीक है, और देखिए, 22 अक्टूबर में जो है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट वालों का एडमिशन कराने का जो है कि आखिरी डेट है, यानी उसके जो है कि 8 से जो है कि 10 दिन के अंदर में जो है कि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगा, यानी इस महीने के जो है कि आखिरी में, नहीं तो अगले महीने में जो है कि 1 तारीख को। अगर मान लीजिए सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो है कि डेट नहीं बढ़ेगा जो है कि एडमिशन कराने का, तो 8 से जो है कि 10 दिन के अंदर में जो है कि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अगर डेट बढ़ जाएगा तो जो है कि उसका समझ जाइए और 1 हफ्ता जो है कि आगे चला जाएगा, यानी अगर आपका डेट नहीं बढ़ेगा तो समझ जाइए इस महीने के आखिरी में, नहीं तो अगले महीने में 1 तारीख को, यानी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बाकी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप लोग जो है कि थर्ड मेरिट लिस्ट का जो है कि इंतज़ार करिए, आप लोग का जो है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। आप जो है कि मायूस मत होइए, नाम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, ताकि जब थर्ड मेरिट लिस्ट आए तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे के पास जो है कि इसका जानकारी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।